जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है चुनपारा झारग्राम वेस्ट पंगोल से अभ्यर्थी, जो कि आप स्टेट लेवल गेम्स में, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कान की तकलीफ, कान के बहने और अन्य तकलीफों के चलते ये अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर पहुँचे हैं। अब हम देखना चाहेंगे कल्याण जी, कान में आपको क्या तकलीफ रहती है? वो कान बहता था जी बचपन में, जी बचपन से। जी बाद में मैंने डॉक्टर को देखा, उसने बोला जी पर्दा छेद है, जी ऑपरेशन जी करना पड़ेगा। जी इसलिए बाद में मैंने फ़ोन पर सर्च किया माइक्रो ऑपरेशन का, जी कहाँ जी जाता है। उसमें मैंने मिला आपका यूट्यूब के चैनल, जी जब वीडियो देखा मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने पिताजी के बात किया, जी जिधर जाएंगे हम, आपसे जी बात हुआ, जी ऐसे वेस्ट पड़ा बंगाल था। से सैनिक परिवार हमारे यहाँ नियमित रूप से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और अब हम देखना चाहेंगे कि आपके कान में क्या तकलीफ चल रही है। कल्याण जी, आपके भविष्य की क्या प्लानिंग है? सर हम डिफेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी आप में। अग्निवीर में जाना चाह रहे हैं, हाँ अग्निवीर परीक्षा पास करके देश की सेवा करना सेवा करना चाहूँगा। चाहते हैं। ठीक है, कान के बिंदु को हम देखना चाहेंगे, कान में क्या तकलीफ है आप मॉनिटर पर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कान में पूरा बड़ा छेद है, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा छेद है, पर्दा है ही नहीं, लार्ज परफोरेशन, और उसके अंदर चमक है, वो डिस्चार्ज है, और हड्डियों की स्थिति में गलन हो सकती है। बस बस बेटे डरो मत। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पूरा बड़ा छेद है, कहाँ है आप फिंगर से बता सकते हैं? बताइए आप कौन सा छेद समझ रहे हैं? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये छेद है सामने जो, आप बताइए कहाँ है छेद? हाँ, ये पूरा एक परफोरेशन, पूरा छेद है, पूरा छेद है पर्दा। ठीक है, अब एक बार ये कान भी देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि नॉर्मल ईयर कैसा है। ये देखिए, इसमें पर्दा है, आपको दिखाई दे रहा है पर्दा सफ़ेद रंग का जो है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। अब हम नाक का विश्लेषण करना चाहेंगे, नाक भी दिखाइए। ओके ओके, मुंह खोलिए, आ आ, ठीक है ठीक है। हम देख सकते हैं कान के पर्दे में, लेफ्ट ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, बड़ा पर्दा में छेद है, साथ में बहाव यानी CSOM भी है, डिस्चार्ज भी है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक कल्चर सेंसिटिविटी एंड रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन के बाद में टीम द्वारा इनके इस कान को रिपेयर किया जाएगा दूरबीन पद्धति द्वारा। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास में हैं, साथ में हैं कल्याण जी चुनपारा झारग्राम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल और जयपुर की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, और अब हम व्यक्तिगत रूप से कल्याण जी से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं और किन तकलीफों के चलते वो अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर पहुंचे हैं। कल्याण जी बताइए। मैं एक एथलीट हूँ और जी 100 मीटर करता हूँ। जी 2016 में अंडर 14 में गोल्ड मेडलिस्ट लिया था, जी और जाम पे लॉन्ग जम्प में जी ब्रॉन्ज लिया था। जी और उसके बाद मैं एथलीट हूँ, कंटिन्यू जी करता रहता। जी मेरा बचपन से कान बहता था, जी बाद में मैं ये नोटिस किया है जो आर्मी में मेडिकल पॉइंट मिलता है जी पर्दा छेद में, जी डॉक्टर को देखा, उसने बोला मेरा कान में पर्दे में छेद है, जी तो इसको ठीक करने के लिए मैं फोन पर सर्च किया बेस्ट जी जी यार सर्जरी ऑपरेशन कहाँ होता जी है, जी तो आपका ही यूट्यूब चैनल मिला हमको। बाद जी में सब वीडियो मैंने देखा, जी मेरे पिताजी के बात किया, मैंने बोला जी है ये अच्छा जगह है जी विश्वास करने के लिए, मेरे फादर को बोला,
रुपये निकले, हम जैसे करके भी ये ठीक करें। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ जी। और मेरा दिसंबर में 2 से 22 तारीख को रैली है जी। मैं रैली से रैली में भाग लेना चाहता हूँ जी, और देश सेवा करना चाहता हूँ जी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमारे साथ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के, और मुख्य रूप से ये देश सेवा में समर्पित होकर राष्ट्र को सेवाएं देना चाह रहे हैं, और आने वाली अग्निवीर भर्ती के लिए प्रयासरत है। आपके इस बिंदु का पूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा और आपकी इस भर्ती को सुनिश्चित किया जाएगा। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। कल्याण जी, दूरबीन विधि द्वारा आपके कान के पर्दे का ऑपरेशन संपन्न हो गया है। हम देख सकते हैं कान के आंतरिक छेद पर सफेद जेल फॉर्म या सीमेंट रखा हुआ है जो पर्दे को सपोर्ट करने का काम करेगा। 30 से 45 दिन बाद में इसे हम हटाएंगे और उस समय तरुण पर्दा अपना स्थायी पोजीशन प्राप्त कर लेगा, ग्राफ्ट अपटेक हो जाएगा। और अब हम कान का पिछला हिस्सा देखना चाहेंगे। हम देख सकते हैं कान के पिछले हिस्से पर किसी प्रकार का कोई चीरा, कट, टांका, निशान इत्यादि नहीं है। पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया है। दिस इज टोटल ट्रांसक्रैनियल टेक्निक, नो एक्सटर्नल इंसिजन मार्क स्टिच ETC। ओके, अब हम अभ्यर्थी द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। यस, हाँ कल्याण जी, ऑपरेशन के दौरान आपको कोई विशेष तकलीफ तो नहीं रही? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं रही? नहीं। आप देश के उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अग्निवीर, SSC, GD व अन्य पुलिस पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं और कान के पर्दों में छेद की तकलीफ के चलते भर्ती से वंचित रह जाते हैं? जोर से बोलिएगा। उस लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ जी, वो लोग आइए जी, यहाँ पर आके उसका जो पर्दे में छेद है जी, कि वह जो कुछ प्रॉब्लम है कान का जी, आके दिखाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने पिताजी के साथ यहाँ पहुँचे, आप यहाँ की व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ सर। ठीक है, आप आसाम से यहाँ पहुँचे? सर वेस्ट बंगाल से यहाँ पहुँचे। लगभग कितना समय आपको लगा यहाँ पहुँचने में? सर एक दिन। एक दिन लगा? हाँ। ठीक है, आपका ये जो है ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ड्रेसिंग के बाद में आपको शिफ्ट किया जाएगा। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।